हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन इज, इफ ए वेक्टर इज गिवन बाय a1i कैप प्लस a2j कैप एंड a3k कैप, आर वेक्टर इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, देन फाइंड कर्ल ऑफ a×r(Rn)। हमें a और r वेक्टर गिवन है, हमें कर्ल फाइंड करना है a×r(Rn) का, वेयर r इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर r। तो सबसे पहले हम a×r फाइंड आउट करेंगे, उसको फिर Rn के साथ प्रोडक्ट करेंगे, जो हमारे पास आएगा उसका हम कर्ल ले लेंगे। सो a×r हम इवेल्यूएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट ij के, वेक्टर a के कॉम्पोनेंट्स a1 a2 a3, वेक्टर r के कॉम्पोनेंट xyz। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे, सो ये हमारा एक्सपेंड करके a×r की वैल्यू आ गई। अब हम कंप्यूट करेंगे a×r(Rn), a×r को Rn से प्रोडक्ट कर देंगे, तो हर टर्म के साथ Rn मल्टीप्लाई हो जाएगा। Rn एक स्केलर है, a×r वेक्टर है, स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से होती है, हर टर्म के साथ Rn मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कर्ल फाइंड आउट करेंगे, कर्ल ऑफ a×r(Rn) दैट इज डेल a×r(Rn)। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म से ही हम कर्ल इवेल्यूएट करेंगे, ij k, curly by curly x, curly by curly y, curly by curly z, देन a×r(Rn) का जो कॉम्पोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग, दैट इज a2z-a3yRn, नेक्स्ट कॉम्पोनेंट -a1z प्लस हो जाएगा, आउटसाइड माइनस है तो प्लस a3xRn हो जाएगा, एंड दिस इज a1y-a2xRn। डिटर्मिनेंट को इवेल्यूएट कर लेंगे, कर्ली बाई कर्ली वाई ऑफ a1y-a2xRn माइनस कर्ली बाई कर्ली जेड इंटू -a1z प्लस a3xRn, माइनस जे कैप इंटू कर्ली बाई कर्ली एक्स a1y-a2xRn माइनस कर्ली बाई कर्ली जेड ऑफ a2z-a3yRn प्लस के कैप इंटू कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ -a1z प्लस a3xRn माइनस करली बाई करली वाई a2z-a3yRn, दिस इज के क्या। अब ये डिटर्मिनेंट हमारा हो गया इवेल्यूएट, अब हम इन हर टर्म को सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे, देन यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले हम ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज करली बाई करली वाई ऑफ a1y-a2xRn माइनस करली बाई करली जेड ऑफ a3x-a1zRn। तो पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हमें यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से जब इस ब्रैकेट का करेंगे, एक फंक्शन हम ये ब्रैकेट में मान लेते हैं a1y-a2x, एक फंक्शन हम Rn मान लेते हैं। तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन का करेंगे, तो यहाँ से a1 आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, a2x का जब करोगे आप वाई के रिस्पेक्ट में तो एक्स एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, a2 भी कॉन्स्टेंट है तो a2y का तो 0, a2x का 0 हो जाएगा, यहाँ से हमारा a1 आ जाएगा। सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, Rn का करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा nRn-1 करली r बाय करली y। इसी तरह से यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ से z के रिस्पेक्ट में जब ब्रैकेट का करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a1, बाहर माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, इंटू Rn, देन दिस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ -a3x a1z, Rn का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा nRn-1 करली r बाय करली z। करली r बाय करली y को हम y बाय r लिख सकते हैं, और करली r बाय करली z को z बाय r, हमें पता है r वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है उसको हम r से डिनोट कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड क्या आता है, अंडर रूट x2+y2+z2। अगर हम स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड तो हमारा r स्क्वायर आ जाएगा x2+y2+z2 के इक्वल। जब आप r का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव या y के रिस्पेक्ट में या z के रिस्पेक्ट में हम कंप्यूट करेंगे तो हमें r का y के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो ये हो जाएगा 2r करली r बाय करली y, लेफ्ट साइड पे ये आ जाएगा 2r करली r बाय करली y, और यहाँ पर आ जाएगा राइट साइड में 2y, तो करली r बाय करली y की वैल्यू y बाय r आ जाएगी। तो हमने यहाँ डायरेक्ट ही लिख लिया y बाय r। इसी तरह से जब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे करली r बाय करली z बाय r आ जाएगा, दिस इज 2a1rn, और यहाँ से nRn-2 हो जाएगी पावर, यहाँ से भी पावर nRn-2 हो जाएगी, r डिनोमिनेटर में है, जब न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर एक रिड्यूस हो जाएगी। सो हमने यहाँ से nRn-2 कॉमन ले लिया,
यहाँ हमें मिला ए वन बार वाई था, तो ए वन वाई स्क्वायर माइनस ए टू एक्स वाई, और यहाँ से माइनस ए थ्री एक्स जेड प्लस ए वन जेड स्क्वायर। इसको इस तरह लिख सकते हैं, कंबाइन कर लिए टर्म्स, ए वन कॉमन ले लिया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड दिस इज़ माइनस ए टू एक्स वाई माइनस ए थ्री एक्स जेड। नाउ ए वन एक्स स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया, ए वन एक्स स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये टर्म हमने ऐड कर दी, ये टर्म हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, रिमेनिंग टर्म्स हमारी एज इट इज़ है। सो ये हमारा हो गया ए वन इंटू आर स्क्वायर, ये हमारा आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ से हमने माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो ये आ गया ए वन एक्स ए टू वाई ए थ्री जेड। नाउ दिस इज़ टू ए वन आर एन, दिस इज़ एन, जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एन ए वन आर एस टू द पावर एन, यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एन आर एन माइनस टू इंटू एक्स, ये हमारा ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड को हम ए डॉट आर लिख सकते हैं। ए वैक्टर और आर वैक्टर का जब आप डॉट लोगे तो ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड ही आएगा। सो अब इन टर्म्स को हमने कंबाइन कर लिया, दिस इज एन प्लस टू ए वन आर एन माइनस एन आर एन माइनस टू ए डॉट आर इंटू एक्स। अभी हमने कंप्यूट किया दिस, ये ब्रैकेट, अब हम सिमिलरली इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो ये माइनस है, अगर इस माइनस को हम अंदर ऑपरेट कर दें तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। सो हमने ये टर्म निकाल ली, करली बाय करली जेड ए टू जेड माइनस ए थ्री वाई आर एन माइनस करली बाय करली एक्स ए वन वाई माइनस ए टू एक्स आर एन। अब यहाँ से आप देखो सिमिलैरिटी है, अभी आपने किया था वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और जेड के रिस्पेक्ट में, अब जो है वो हमारा है जेड और एक्स के रिस्पेक्ट में, सिर्फ शिफ्टिंग हो रखी है अगर आप देखो। और ऐसे ही अगर आप थर्ड ब्रैकेट देखो, ये आपकी थर्ड ब्रैकेट है, तो यहाँ हमने ये थर्ड ब्रैकेट भी लिख ली, डिफरेंस क्या आ रहा है, सिर्फ शिफ्टिंग है, एक्स वाई जेड है, ऑर्डर में शिफ्ट हो रखे हैं, जेड है जेड से नेक्स्ट क्या आता है एक्स, ए टू है ए टू से नेक्स्ट ए थ्री, जेड से नेक्स्ट एक्स, अगर हम इस तरह से चले एक्स वाई जेड अगेन एक्स, इस तरह से ऑर्डर में चले, दिस इज़ आर एन माइनस एक्स के नेक्स्ट वाई है, ए वन वाई, ए वन के नेक्स्ट ए टू है, वाई के नेक्स्ट जेड है, ए टू के नेक्स्ट ए थ्री है, एक्स के नेक्स्ट वाई है, तो सिर्फ शिफ्टिंग ही हो रखी है। इसी तरह से आप ये देख सकते हो, यहाँ वाई है तो नेक्स्ट वाले में जेड है, यहाँ जेड है तो नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स है, यहाँ से आप देखो यहाँ वाई है तो नेक्स्ट ब्रैकेट में जब आप माइनस ऑपरेट करोगे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सो आप यहाँ प्लस वाला वाई है, या प्लस में जेड है, देन प्लस में एक्स वाली टर्म है, या माइनस में जेड वाली टर्म है, या माइनस में एक्स वाली टर्म है, या माइनस में वाई वाली टर्म है, जेड एक्स वाई, इस तरह से सिर्फ एक शिफ्टिंग ही हो रही है। तो हम इसकी वैल्यू सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन प्लस टू एज इट इज़, ए वन से नेक्स्ट ए टू आ जाएगा आर एन माइनस एन आर एन माइनस टू ए डॉट आर एज इट इज़ रहेगा, एक्स से नेक्स्ट वाई आ जाएगा। इसी तरह से जो थर्ड ब्रैकेट है उसकी वैल्यू भी हम सिमिलरली लिख सकते हैं, आपको पूरा कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हो जाएगा एन प्लस टू ए थ्री आर एन माइनस एन आर एन माइनस टू, ए टू के प्लेस पे ए थ्री आ गया, यहाँ पर भी वाई के प्लेस पे सिर्फ जेड आ जाएगा, सिर्फ इतना ही डिफरेंस आएगा। सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में जो आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट किए, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर हम देखें जो ऐड हमने करना है, इस ब्रैकेट के साथ जे मल्टीप्लाई करना है, इस ब्रैकेट के साथ के मल्टीप्लाई करना है, और जो ये वैल्यू आ रही है इसके साथ हमने आई मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे तो ये एन प्लस टू एन प्लस टू एन प्लस टू तीनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, आर एस टू द पावर एन भी कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग क्या बचेगा, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, इसको आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करके, इसको जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करके, और इसको के कैप के साथ मल्टीप्लाई करके, तो जो कॉमन आएगा वो हम आउटसाइड लिख लेंगे। इसी तरह से यहाँ से जो कॉमन आ रहा है माइनस एन आर एन माइनस टू ए डॉट आर, ये कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सो हमने ये डायरेक्ट ही लिख दिया, ये हमारा ए वैक्टर आ गया और ये हमारा आर वैक्टर आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन टेंथ, इफ एफ वैक्टर इज गिवन बाय W क्रॉस R, then prove that vector W is written as half of curl of F, where W is constant vector. हमें W को show करना है half curl F के equal, F हमें given है W क्रॉस R, W constant vector है यहाँ पर। देखो हम पहले हमें ये show करना है तो हम curl F compute करेंगे, उसको दिखा देंगे हम
टू डब्ल्यू के इक्वल, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं टू डब्ल्यू इक्वल्स टू कर्ल एफ। तो यहाँ पर हम कर्ल एफ फाइंड आउट करेंगे, उसको अगर हम शो कर दें टू डब्ल्यू के इक्वल तो जो हमें क्लेम करना है वो हो जाएगा। सो कर्ल ऑफ एफ फाइंड आउट करेंगे, कर्ल ऑफ एफ मीन्स डेल क्रॉस एफ, डेल इज आई कैप कर्ली बाई कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली बाई कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली बाई कर्ली जेड क्रॉस एफ। यहाँ पर जब आप क्रॉस लोगे तो ये हो जाएगा आई क्रॉस कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स प्लस जे क्रॉस कर्ली एफ बाई कर्ली वाई के क्रॉस कर्ली एफ बाई कर्ली जेड। इसी तरह से कर्ल हमने डिफाइन किया था। नाउ एफ की वैल्यू पुट कर दी, एफ हमें गिवन है डब्ल्यू क्रॉस आर, तो एफ की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। सो ये हो गया आई क्रॉस कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ डब्ल्यू क्रॉस आर, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दी, इसी तरह यहाँ भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे आप पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ क्रॉस कर्ली आर बाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली डब्ल्यू बाई कर्ली एक्स क्रॉस आर। इसी तरह से यहाँ पर भी ये आ जाएगा डब्ल्यू क्रॉस कर्ली आर बाई कर्ली वाई प्लस कर्ली डब्ल्यू बाई कर्ली वाई क्रॉस आर, और यहाँ पर डब्ल्यू क्रॉस कर्ली आर बाई कर्ली जेड प्लस कर्ली डब्ल्यू बाई कर्ली जेड क्रॉस आर। अब यहाँ पर W क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर है गिवन है हमें, तो जब W का X, Y या Z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये तीनों टर्म्स हमारी ज़ीरो हो जाएगी। सो जो टर्म्स रह जाएगी दैट इज़ दिस I क्रॉस W क्रॉस कर्ली R बाई कर्ली X, यहाँ से J क्रॉस W क्रॉस कर्ली R बाई कर्ली Y, और यहाँ से K क्रॉस W क्रॉस कर्ली R बाई कर्ली Z। और r वेक्टर का जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो हमें i कैप मिलेगा, बिकॉज r वेक्टर इज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। जब r को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे i कैप आ जाएगा, r को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे j कैप आ जाएगा, r को j z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो k कैप आ जाएगा। नाउ a क्रॉस b क्रॉस c फाइंड आउट करना है, a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू आप जो हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट किया था वहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं I dot I W minus I dot W I, this is J dot J W vector minus J dot W J vector and this is K dot K W minus K dot W K care। अब I dot I हमारा 1 है, इसी तरह से J dot J भी 1 है, K dot K भी 1 है, तो यहाँ से W gap आ जाएगा, एक W gap यहाँ से, एक W वेक्टर यहाँ से, सॉरी वेक्टर है ये, तो ये थ्री टाइम्स डब्ल्यू वेक्टर हो जाएगा। एंड दिस इज माइनस, इनमें से कॉमन ले लिया, जो रिमेनिंग टर्म्स थी यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, सो वी आर लेफ्ट विद आई डॉट डब्ल्यू आई कैप प्लस जे डॉट डब्ल्यू जे कैप के डॉट डब्ल्यू के कैप। अब किसी भी वेक्टर का पहले अगर आप आई एथ कॉम्पोनेंट निकालो, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, फिर आई के साथ प्रोडक्ट करो, ऐसे ही जे एथ जे के साथ पहले आपने डॉट लिया फिर जे के साथ लिखा, के साथ डॉट लिया फिर के साथ ही लिखा, तो वेक्टर वही डब्लू वेक्टर ही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम डब्लू वेक्टर को लें डब्लू वन आई कैप प्लस डब्लू टू जे कैप प्लस डब्लू थ्री के कैप, हमने इस तरह से लिया। अब यहाँ पर जब आप आई डॉट डब्लू करोगे, आई डॉट डब्लू क्या आ जाएगा, डब्लू वन आ जाएगा, और यहाँ पर ये आई कैप है ही, ये एज इट इज़। J डॉट W करोगे तो क्या आएगा, W2 आ जाएगा, और यहाँ J है ही। इसी तरह से K डॉट W करोगे तो क्या आएगा, W3, और यहाँ पर K वेक्टर है ही, तो ये वापस आपका W1 I प्लस WJ W2 J प्लस W3 K ही बन गया, मीन्स W वेक्टर ही बन गया। तो जब भी हम किसी वेक्टर का इस तरह से पहले डॉट प्रोडक्ट लेते हैं IJK के साथ फिर IJK लिखते हैं तो वेक्टर वही W वेक्टर ही आ जाएगा। सो ये W वेक्टर ही आ गया, 3W माइनस 2W इज टू, 3W माइनस W इज 2W। सो कर्ल ऑफ F हमारा किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट साइड पे कर्ल ऑफ F था, दैट इज़ दिस कर्ल ऑफ F हमारा 2W के इक्वल आ गया, और वी कैन राइट W इज़ गिवन बाय हाफ कर्ल ऑफ F। यहाँ पर जो हमने कर्ल ऑफ F कंप्यूट करना था इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी कर सकते थे, आप वहाँ से उस तरह से भी कर सकते हो, अदरवाइज इस वे से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11, प्रूव दैट कर्ल ऑफ a क्रॉस r ओवर r क्यूब इज गिवन बाय माइनस a ओवर r क्यूब प्लस 3r वेक्टर ओवर r5 इनटू a डॉट r, वेयर a इज ए कांस्टेंट वेक्टर। यहाँ पर a हमें कांस्टेंट वेक्टर गिवन है, हमें कर्ल फाइंड आउट करना है a क्रॉस r ओवर r क्यूब का। तो यहाँ पर a वेक्टर कांस्टेंट है, हमने a वेक्टर को एज्यूम कर लिया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। कर्ल फाइंड आउट करेंगे, कर्ल मीन्स डेल क्रॉस एक क्रॉस आर ओवर आर क्यूब, और डेल ऑपरेटर लिख दिया आपने आई कर्ली बाई कर्ली एक्स प्लस जे कर्ली बाई कर्ली वाई प्लस के कर्ली बाई कर्ली जेड।
नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ कर्ल हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आई क्रॉस कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ ए क्रॉस आर ओवर आर क्यूब, जे क्रॉस कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ ए क्रॉस आर ओवर आर क्यूब एंड के क्रॉस कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ ए क्रॉस आर ओवर आर क्यूब। अब यहाँ पर अभी हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट करेंगे, देन वाई और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो हमने ये टर्म लिख ली। अब यहाँ पर जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे, एक फंक्शन आप हम यहाँ पर ये एक रोस आर ले रहे हैं और एक फंक्शन ले रहे हैं हम वन बाय आर क्यूब। सो जब वन बाय आर क्यूब का करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, आर एस टू द पावर माइनस थ्री हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री इंटू आर एस टू द पावर माइनस फोर दैट इज़ माइनस थ्री ओवर आर फोर। हमने वन बाय आर क्यूब का डेरिवेटिव किया, ये आ गया माइनस थ्री ओवर आर फोर, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कर्ली आर बाय कर्ली एक्स आ जाएगा। दिस ए क्रॉस आर एज इट इज़, देन वन बाय आर क्यूब एज इट इज़ पार्शल डेरीवेटिव ऑफ ए क्रॉस आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ दिस इज माइनस थ्री ओवर आर फोर, कर्ली आर बाय कर्ली एक्स को हम एक्स बाय आर लिख सकते हैं बिकॉज आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से आप आर को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स बाय आर आ जाएगा। दिस इज़ वन बाय आर थ्री, और यहाँ पर जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे पार्शली एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस कर्ली आर बाय कर्ली एक्स। एक टर्म और भी आती प्लस कर्ली ए बाय कर्ली एक्स क्रॉस आर, इस तरह की टर्म भी आती जब आप इसका डेरिवेटिव करते, एक टर्म ये आती एक टर्म ये भी आती, बट यहाँ पर ए हमें कांस्टेंट वेक्टर गिवन है तो जब ए का डेरिवेटिव करेंगे हम एक्स वाई या जेड के रिस्पेक्ट में वो ज़ीरो आ जाएगा, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर सीधा यही टर्म लिख ली। नाउ दिस इज़ माइनस थ्री एक्स ओवर आर रेस टू द पावर फाइव ए क्रॉस आर प्लस वन बाय आर क्यूब, कर्ली आर बाय कर्ली एक्स की वैल्यू आई कैप आ जाएगी जब आप इसको पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, आई कैप आ जाएगा। इसी तरह से अभी हमने ये निकाला है, अब हम इसका आई के साथ क्रॉस लेंगे। सो आई क्रॉस दिस इज, जब आई के साथ क्रॉस लोगे तो ये तो देखो स्केलर है, ये तो आएगा एज इट इज़ क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में होता है, तो एक वेक्टर आई है एक वेक्टर ए क्रॉस आर है, तो ये आई क्रॉस ए क्रॉस आर आ जाएगा। इसी तरह से वन बाय आर क्यूब तो एज इट इज़ आ जाएगा, स्केलर है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा आई का वो हो जाएगा ए क्रॉस आई के साथ। नाउ इसको हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है जो हमने रिजल्ट वार ड्राइव किया था वहाँ से इस तरह लिख सकते हैं, आई डॉट आर इंटू ए वेक्टर माइनस आई डॉट ए इंटू आर वेक्टर। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं, आई डॉट आई इंटू ए वेक्टर माइनस आई डॉट ए इंटू आई वेक्टर। यहाँ पर जब आर का आई के साथ डॉट लोगे तो हमारा एक्स बनेगा, आर वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आर डॉट आई लोगे तो एक्स आ जाएगा और ये हमारा है एज इट इज़। इसी तरह से ये आई डॉट आई वन हो जाएगा, ये वेक्टर है क्या, ये एज इट इज़। अभी हमने आई के साथ क्रॉस लिया है, अगर हम जे के साथ क्रॉस लें, नेक्स्ट टर्म हमारी ये थी जे क्रॉस कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ ए क्रॉस आर ओवर आर क्यूब, आई के प्लेस पे जे है एक्स के प्लेस पे वाई है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा हम सिमिलरली लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स के प्लेस पे वाई हो जाएगा, थ्री वाई ओवर आर फाइव, यहाँ वाई हो जाएगा, आई के प्लेस पे जे हो जाएगा तो ये जे डॉट ए आर वैक्टर हो जाएगा प्लस वन बाय आर क्यूब ए वैक्टर माइनस आई के प्लेस पे जे हो जाएगा जे डॉट ए इंटू जे कैप। इसी तरह से अगर हमें ये फाइंड आउट करना है के क्रॉस कर्ली बाय कर्ली जेड ए क्रॉस आर ओवर आर क्यूब, तो वाई के प्लेस पे जेड हो जाएगा और जे के प्लेस पे के, तो यहाँ पर ये जेड हो जाएगा, यहाँ वाई के प्लेस पे जेड, यहाँ जे के प्लेस पे के हो जाएगा, यहाँ पर भी जे के प्लेस पे के हो जाएगा। इन तीनों को हम वन में पुट कर देंगे, इन तीनों का सम कर देंगे, सो ये कर्ल आ जाएगा। सो जब सम करेंगे ये हमारा हो जाएगा, देखो अभी हम यहाँ से अगर देखें, अगर हम वर्टिकली ही सम कंसीडर कर लें, यहाँ से जो कॉमन आएगा माइनस थ्री रेस टू द पावर आर फाइव कॉमन आ जाएगा, तीनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर एक वैक्टर, यहाँ वाई स्क्वायर ए वैक्टर और यहाँ जेड स्क्वायर ए वैक्टर, तो ये हमने लिख लिया माइनस थ्री बाई आर फाइव कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर ए वैक्टर वाई स्क्वायर ए वैक्टर जेड स्क्वायर ए वैक्टर। इसी तरह अब इस टर्म की बात करें, यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है अगेन माइनस थ्री बाई आर फाइव कॉमन आ जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा एक्स इंटू आई डॉट ए इंटू आर वैक्टर और यहाँ वाई इंटू जे डॉट ए आर वैक्टर जेड इंटू के डॉट ए आर वैक्टर, दैट इज दिस।
नेक्स्ट हम जब थर्ड टर्म देखेंगे दैट इज दिस दिस एंड दिस टर्म, तो ये 1/r³ 1/r, ये 3 times ही है, तीनों टर्म सेम है तो ऐड करेंगे 3 times बन जाएगा 3 times a वेक्टर ओवर r क्यूब दैट इज दिस, और जो रिमेनिंग है दैट इज दिस, यहाँ से आप 1/r³ कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस आई डॉट, माइनस भी कॉमन आ जाएगा तो आई डॉट ए आई कैप, जे डॉट ए जे कैप, के डॉट ए के कैप, तो माइनस भी कॉमन ले लिया, 1/r³ कॉमन ले लिया, ये हमारा आ गया। अब यहाँ से अगर हम एक वेक्टर कॉमन ले तो ये हो जाएगा x² + y² + z². नाउ आई डॉट ए वेक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा, ए वेक्टर था हमारा a1i + a2j + a3 के, ए डॉट आई करोगे तो a1 आ जाएगा, ए डॉट जे करोगे तो a2 आ जाएगा, ए डॉट के करोगे तो a3 आ जाएगा। यहाँ पर आई डॉट ए करेंगे तो अभी हमने ये यहाँ पर लिख दिया 3/r⁵ एज इट इज़ है, ये x है हमारा, आई डॉट ए करेंगे तो a1 आ जाएगा, y एज इट इज़, j डॉट ए करेंगे तो a2 आ जाएगा, z एज इट इज़, k डॉट ए करेंगे तो a3 आ जाएगा, और ये जो r वेक्टर है वो हमने आउटसाइड लिख लिया, कॉमन आ गया, एंड दिस इज़ 3a/r³। और यहाँ से किसी वेक्टर का अगर आप पहले i के साथ प्रोडक्ट कर रहे हो, फिर j के साथ, फिर k के साथ, और फिर उन्हीं को i j k के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो तो यही वेक्टर आ जाएगा, ए वेक्टर ही आ जाएगा, ये दैट इज ये आ जाएगा, जब आई का ए के साथ डॉट करोगे ए वन आ जाएगा, जे का ए के साथ डॉट करोगे ए टू आ जाएगा, के का ए के साथ डॉट करोगे ए थ्री आ जाएगा, फिर ये हो गया a1i a2j a3k, दैट इज ए वेक्टर ही बन गया दिस, एंड दिस इज 3/r³। सो ये हमारा आ गया 3r² a⁵ over r⁵, x² + y² + z² की जगह हम r² लिख सकते हैं, एंड दिस इज़ 3/r⁵। और ये हमारा क्या है, अगर हम a और r का डॉट प्रोडक्ट करें तो यही आएगा a1x a2y a3z, सो इसकी जगह हम लिख सकते हैं r डॉट a, एंड दिस इज़ r वेक्टर, दिस इज़ 3a⁵ over r³, एंड दिस इज़ a⁵ over r³। अब यहाँ पर ये हमारा बन गया -3a⁵ over r³, r² से r⁵ पावर है, ये दो पावर कैंसिल हो गई, एंड दिस इज़ 3a/r³, ये दोनों कैंसिल ही हो गए, ये टर्म रह गई और ये टर्म रह गई, 3r⁵ r·a/r⁵ -a⁵ over r³, ये आपका वैल्यू है कर्ल ऑफ a×r/r³ की, यही शो करनी थी। सो आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे, थैंक यू।